हेलो फ्रेंड्स, आई एम अविनाश कुमार सोनी एंड स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बताऊंगा, आज पिछले टॉपिक से मैंने बात की थी वन वे स्लैब की, और उसके स्टेप्स मैंने बताए थे, डिज़ाइन स्टेप्स बताए हुए थे। अब मैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ पास मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है गाइज, मैं पहले उससे पहले बोलना चाहूँगा आपको कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पास क्वेश्चन पर आता हूँ। मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों की वैल्यूएशन अच्छे से नहीं लेता हूँ कि मैं आपको बोलूँ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तो आप प्लीज़ फिर भी उस पर गौर करिए। तो मैं बात करता हूँ, यहाँ पास डिज़ाइन आ क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन अ वन वी स्लैब सिंपली सपोर्टेड स्लैब दिया हुआ है यूजिंग द डाटा ऑफ स्पान 4 मीटर, सुपर इम्पोज लोड 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिशिंग लोड 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। कॉन्क्रीट ग्रेड दे रहा है हमें M15 का एंड माइल्ड स्टील जो दे रहा है Fe 250। माइल्ड स्टील की वैल्यू जो होती है Fe 250 होती है, टाइप्स ऑफ माइल्ड स्टील है Fe 250। तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ लगाया, पहले मैंने बताया था पिछले स्टेप से, सबसे पहले हम करते हैं डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स। स्टेप्स फर्स्ट हमारा होता है डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। तो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स में हमारा सबसे पहला आता है FCK, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो FCK की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हमारा कंक्रीट ग्रेड M15 है। M25 होता है यहाँ पास, तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। Fy 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। तो चूँकि हमारा माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील Fe 250 होता है, तो 250 मैंने लिया हुआ है। इसके बाद XU max की बात कर रहा हूँ मैं, ये न्यूट्रल एक्सिस की जो हमारी एक्सिस होती है, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। तो यहाँ पास मैंने लिया हुआ है इसका 0.531D होती है, फॉर्मूला होता है ये माइल्ड स्टील के लिए होती है। फिर 0.479D होती है ये Fe 415 के लिए, और 0.456D होती है Fe 500 के लिए। तो हमारा जो है माइल्ड स्टील है, तो मैंने यहाँ पास इसे लिया हुआ है XU max 0.531D, ये हमारे माइल्ड स्टील के लिए हुआ। और यहाँ पास MU लिमिट की बात कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट की लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो ये भी Fe 250 के लिए होती है 0.149 BD² FCK, एंड Fe 415 के लिए होती है 0.138 BD² FCK, एंड Fe 500 के लिए होती है 0.133 BD² FCK। ये MU लिमिट होती है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पे जो आया हुआ है, जिसको लेकर हमें डिज़ाइन करनी स्टील ग्रेड, वो है Fe 250। तो हम यहाँ पास ले रहे हैं ये वाली MU लिमिट 0.149 BD² FCK। आगे बढ़ता हूँ, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट सपिंग जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड स्टेप है, वो है हमारा लोड एंड बेंडिंग मोमेंट का। तो हम पहले ये चीज़ लेकर चलते हैं कि हम जो स्लैब की डिज़ाइन कर रहे हैं वन मीटर विड्थ के लिए कर रहे हैं, उसके आगे क्या आता है हम फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास लिया है कंसाइडर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब, तो हमारी विड्थ हो गई 1 मीटर। फॉर डिफ्लेक्शन चेक, हम डिफ्लेक्शन चेक से इसलिए करते ताकि हमारी स्लैब की डिज़ाइन जो हो वो डिफ्लेक्शन फ्री हो। तो इसका एक फंडा होता है स्पान अपॉन डेप्थ इक्वल टू 20 × मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये 1.6 से 1.2 तक होता है। तो 20 × 1.6 मैंने लेकर कर रहा हूँ ये सॉल्व। तो स्पान हमारी दी हुई है 4 मीटर, 4 × 10³, मैंने उसको मिलीमीटर चेंज कर लिया है, और डेप्थ हमारी ओवरऑल डेप्थ हो गई है डी, कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसे। तो ये इसका मैंने मल्टीपल किया तो 32 सॉल्व। आफ्टर ऑल सॉल्विंग दिस डाटा वी गेट डी इक्वल टू 125 मिलीमीटर। तो फिर यहाँ पास हम आगे चलते कैलकुलेशन ऑफ लोड पे। तो हमारा पहले सबसे पहले आता है सेल्फ लोड या सेल्फ वेट और डेड लोड। तो इसका एक फंडा ये है कि BD × 25, ये एरिया है स्लैब की, और ये 25 होता है, ये 25 कंक्रीट की डेंसिटी 25, ये किलोमीटर पर मीटर में आएगी वैल्यू सारी जो लोड की आएगी। यहाँ पास फ्लोर फिनिशिंग है और ये लाइव लोड, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद मैंने इसको टोटल लोड निकाला। ये आपस मैंने वैल्यू रखी 1 मीटर ऑफ विड्थ ऑफ स्लैब, तो 1 मीटर बी हमारी हो गई, और डी 0.125 एंड 25 हमारी डेंसिटी, और ये 3.125 ये है आफ्टर गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, और फ्लोर फिनिशिंग 1 किलो न्यूटन एंड 2.0 लाइव लोड।
सुपर इम्पोज लोड गिवेन हेयर, सुपर इम्पोज लोड 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड निकालने के बाद हम बात करते हैं फैक्टर लोड की, एफडी की। फैक्टर लोड हमारा है 1.5 इंटू टोटल लोड। 1.5 यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर है, तो इसे हम इसके बाद हमारा ये एफडी आ गई हमारी। फैक्टर लोड को मैं एफडी से डिनोट कर रहा हूँ, इसे स्मॉल डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। 6.125 आ रहा है इंटू हमारे टोटल लोड, और 6.125 पीछे हम देखें 6.125 आ रहा हमारा टोटल लोड इंटू 1.5, तो हमारा जो फैक्टर लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 9.2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इतनी लोड के लिए अब हमें डिज़ाइन करनी है। तो इफेक्टिव लेंथ निकालनी है इसके बाद, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए इफेक्टिव लेंथ जो आती है वो होती है लेंथ प्लस अदर डिस्टेंस ऑफ डाटा। तो डेप्थ होती पहले, ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हमारी, अभी हमने डिफ्लेक्शन से निकाला है, डिफ्लेक्शन चेक से 0.125 प्लस। यहाँ पास अगर आपके वॉल की थिकनेस या वॉल की साइज भी दी हुई है, कह रहा है कि स्लैब में, स्लैब जो वॉल पर टिकी हुई है तो उसकी भी आप डाटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पास ज़्यादा वैल्यूशन उसकी कुछ खास है नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं। तो मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में डायरेक्ट आता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में डिनोट कर रहा हूँ यहाँ एम डी से, एम डी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ये डब्ल्यू जो है फैक्टर लोड है और ये एल इफेक्टिव है, इफेक्टिव लेंथ है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल सिम्बल्स वी गेट 19.57 किलोमीटर मीटर एम डी, 19.57 किलोमीटर मीटर एम डी बेंडिंग मोमेंट। अब इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव डेप्थ में आ गए हम, तो इफेक्टिव डेप्थ का फंडा मैंने बताया होता। इफेक्टिव डेप्थ का फंडा ये था कि बाई इक्वेटिंग ऑफ एम यू मैक्स टू एम यू, एम यू लिमिट टू एम डी, ये दोनों सिंबल से एक है, आप इनमें कन्फ्यूजन मत होना, आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने एम यू लिमिट का बताया था पिछले ही पेज पे कि एम यू लिमिट एफ यू 250 के लिए होती 0.149 बी डी स्क्वायर एफ सी के इक्वल टू एम डी, एम डी, एम डी की वैल्यू आई कितनी 19.57। मैंने इसको न्यूटन एंड मिलीमीटर चेंज कर लिया है, तो 19.57 इंटू 10 टू द पावर 6। आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल वैल्यू वी गेट डी इक्वल टू 93.57 अप्रोक्सली 94 मिलीमीटर। तो डी की वैल्यू आ गई है। अब आगे हम यहाँ पर कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, एज्यूमिंग या प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग 12 mm डाया ऑफ बार्स एंड 15 mm ऑफ कवर। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारी, डी इक्वल टू 94 प्लस, मैंने बोला डाया कितनी, डाया बाई 2, डाया बाई 2 मतलब 12 बाई 2 प्लस 15 mm ऑफ कवर। तो यहाँ पास मैं शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ, ओवरऑल डी इक्वल टू होता है स्मॉल डी प्लस डाया बाई 2 प्लस कवर। इसके थ्रू आप ओवरऑल डेप्थ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप कि जो मेरी ओवरऑल डेप्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 94 प्लस 6 प्लस 15 इक्वल टू 115 मिलीमीटर, जो कि कम है 125 डिफ्लेक्शन चेक्स डेप्थ से। तो यहाँ पास हमारी वी चीज सेफ, मतलब जो हमारी डेप्थ आ रही है, डिज़ाइन डेप्थ कम आ रही है, तो हमारी जो डिज़ाइन है वो सेफ है। यहाँ देखेंगे आप, ये जो 125 डेप्थ हमने निकाला था यहाँ, इससे कम है वो वैल्यू, इससे वैल्यू कम आ रही है, इसलिए हमारी डिज़ाइन यहाँ पर सेफ। अगर नहीं होती तो हम फिर से दूसरी डाया प्रोवाइड करते हैं और दूसरे वैल्यूएशन लेकर हम इसे सुधार करके इस इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो मैटर करता है।
तो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे अब स्टील की, डिज़ाइन ऑफ स्टील की बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टील कैलकुलेशन में आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपन कैलकुलेट करते हैं मेन बार्स के लिए या मेन स्टील के लिए। तो मेन बार्स के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स यू पहले निकालते हैं, न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी। मैंने वैल्यू पुट की है 0.87 इंटू 215 इंटू ए एस टी एंड एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी मीन्स एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पास मैंने सारी वैल्यू जो है मिलीमीटर में ली हुई है। तो एक्स यू इक्वल टू 0.04027 एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी आ गई है। फिर मैंने मूवमेंट यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है। मूवमेंट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला ये होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.416 एक्स यू इक्वेटिंग बाई एम डी टू एम यू। मैंने एम डी जो हमारे पिछले में आई हुई थी पिछले सोल्यूशन में बेंडिंग मोमेंट, उसको इक्वेट करना है एम यू से ये वाले फार्मूले से। तो मैंने इक्वेट किया है 19.57 इंटू 10 to the power 6। मैं आपको दिखाता हूँ एम डी आई थी हमारी ये 19.57 आई हुई थी, मैंने यहाँ पास ये वैल्यू रख दी है। तो उसके बाद 0.87 एफ वाई 250 डिज़ाइन कांस्टेंट है ये, एरिया ऑफ स्टील इंटू 104। ये 104 डेप्थ जो आई है वहाँ पास हम देखे थे डिफ्लेक्शन चेक्स में कि जो डी की वैल्यू आ रही थी, डी की वैल्यू आ रही थी 115 टोटल कैपिटल डी की, जबकि हमें चाहिए कितनी डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए 125। तो जब 125 चाहिए तो इसका एक हमने डी निकाला हुआ है कैसे, तो डी के जगह हमने क्या कर दिया है यहाँ पर स्मॉल डी हटा देते हैं। डी था हमारा 125 रखा इस डी की जगह, ये डी प्लस 5/2 मैंने बताया था प्लस कवर, वही फार्मूला पुट किया फिर से, डी की जगह डी को ही रहने दिया प्लस 5/2 मतलब 12/6 2, तो 6 आया प्लस 15 में कवर। सॉल्व किया तो डी इक्वल टू 104 आया। मैं ये वैल्यू पुट करूँगा डिफ्लेक्शन फ्री के लिए, अगर 125 आता तो मैं यहाँ पास ये वैल्यू नहीं निकालता, वाई पास से उस डी को छोड़ देता, इसलिए मैंने यहाँ पास 104 लिया माइनस 0.416 इंटू एक्स यू की वैल्यू रख दी। मैंने एक्स यू की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पास मैं सॉल्व किया उसको, तो ये इक्वेशन बन रहा है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 6209.16 ए एस टी प्लस एंड एक्सेट्रा। तो मैंने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो एरिया ऑफ स्टील हमारी आई 1014 मिलीमीटर स्क्वायर प्रोवाइडिंग 12 mm 5 hours। मैंने पहले बोला था मेन स्टील के लिए, तो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू एरिया ऑफ स्टील टू किसका बार्स, एरिया ऑफ बार्स, ये एरिया ऑफ बार है इसका आप निकाल सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर से। तो ये 113 आई है अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो इसको मैं सॉल्व किया तो 108.65 मिलीमीटर आ रही थी अप्रॉक्सली, 105 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर मैंने ले लिया इसको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें, मैंने पहले जो है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था एरिया ऑफ स्टील एफ 250 के लिए 0.15% ऑफ एरिया एरिया होता है, ग्रॉस एरिया होता है टोटल एरिया के। तो 0.15/100 इंटू एरिया ऑफ स्लैब, तो 1000 उसकी विड्थ हुई और इंटू 125 डेप्थ मिलीमीटर निकाला, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की एरिया आ गई हमारी 187.5 मिलीमीटर स्क्वायर। मैंने आप प्रोवाइड किया हुआ है 8 mm 5 bars, 6 to 8 mm आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ। तो मैंने स्पेसिंग इसके लिए वैसे ही निकाली 1000 इंटू एरिया ऑफ बार्स, वही पाई बाई 4 अपॉन डी स्क्वायर से, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर से बाई टोटल एरिया ऑफ बार्स। इसकी स्पेसिंग आ गई हमारी 267.94 mm। मैंने इसको अप्रॉक्सली 265 सेंटर टू सेंटर ले लिया, ज़्यादा नहीं ले सकते आप, कम ही लेंगे स्टील में आप स्पेसिंग ज़्यादा नहीं कर सकते। तो चेक फॉर शेयर में आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है चेक फॉर शेयर। तो मैंने पहले यहाँ पर शेयर फोर्स चेक करूँगा, ये वी यू जो है शेयर फोर्स है, ये शेयर फोर्स है वी यू, शेयर फोर्स है वी यू डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू जो है फैक्टर लोड है
एल इफेक्टिव बाय टू कैलकुलेशन से 18.97 किलो न्यूटन आया। फिर यहाँ पास टाउ भी निकालते हैं ये परमिस नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाला मैंने तो ये इसका फॉर्मूला होता है वी यू शेयर फोर्स बाई बी डी एरिया ऑफ स्लैब। एरिया ऑफ स्लैब के यहाँ पास डी जो है स्मॉल डी है, ये देखेंगे यहाँ इफेक्टिव डेप्थ नहीं है। तो टाउ भी लिया 8.975 इंटू 10^3 बाई 1000 विड्थ ऑफ स्लैब एंड इंटू 184, ये सारे मिलीमीटर्स में है, ये 184 ये वही वाला डेप्थ है जो मैंने दोबारा निकाला डिफ्लेक्शन से। इसकी आगे वैल्यू टाउ भी की 0.182 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टील निकाली, तो हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है मैंने लिखा हुआ यहाँ 100 AST अपॉन BD। तो 100 एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील टोटल मेन बार्स की कितनी थी 1040, तो और एरिया मैंने निकाला 1000 बाई इंटू 14, ये हुआ। इसको सॉल्व किया तो हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील आ रही 1। तो मैं एक टेबल होता है क्रॉस एग्जामिन करेंगे वहाँ से टाउ वी की वैल्यू मैंने लिखी फिर से यहाँ पास, और टाउसी जो है हमारा कहाँ था थ्रू द टेबल ऑफ डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ की एक टेबल होती है, यहाँ पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट के ऊपर हमारी ये टाउसी की वैल्यू दी हुई होती है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। तो वहाँ पास से मैंने क्रॉस एग्जामिन किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल होती है देखेंगे आप, ये टाउसी हमारी 15 ग्रेड की हमें कंक्रीट दी हुई है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील आई हमारी 1 और ये टाउसिक वैल्यू आ रही है हमारी 0.60। इस तरह से मैंने वैल्यू निकाल ली टाउसी की, देखेंगे यार 0.60 न्यूटन पर मिलीमीटर से जो कि बड़ी है 0.12182 टाउवी से। तो यहाँ पर हम हैंस नो शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम कोई शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, मतलब हमारी डिज़ाइन टोटली इम्प्रूव है, सही है। मैंने समरी ऑफ डिज़ाइन भी लिख दिया, यहाँ पर स्लैब थिकनेस देखिए 125 मिलीमीटर, कवर जो है 15 मिलीमीटर, मेन स्टील जो है इतनी 12 mm डाया की मैंने प्रोवाइड किए, 105 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इतनी। आप यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ बार निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए नंबर्स ऑफ बार्स निकालने के लिए तो ये फार्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ बार, इसके थ्रू आप शायद निकाल सकते हैं। सो गाइज होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं आप हमारे, तो आगे बने रहिए, मैं आपके लिए और भी कुछ नए वीडियो लाऊंगा डिज़ाइन से। अब हम शायद टू वे स्लैब की बात करें, अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है स्लैब में वन वे स्लैब से तो मैं उसको लेकर भी आऊंगा आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए आपके कोई क्रॉस क्वेश्चन है या फिर कोई और क्वेश्चन है तो। सो प्लीज़।